हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 20th ऑफ अक्टूबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द ब्रिक्स समिट दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड इन कजान फ्रॉम अक्टूबर 22nd एंड 23rd। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अक्टूबर को कजान में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बताना है कि इस शिखर सम्मेलन का जो विषय है वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्टिस, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी, सेकंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, थर्ड इनहांसिंग ट्रेड रिलेशंस, या फिर क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी। आपको बताना है रशिया में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो थीम है वो क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्टिस, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द ब्रिक्स समिट इन रशिया ऑन अक्टूबर 22nd एंड 23rd एट द इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। सो द समिट विल हेल्ड इन कजान एंड द थीम विल फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्टिस, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। सो ब्रिक्स ब्लॉक की बात करें तो इनमें जो देश शामिल हैं वो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई। एंड दीज कंट्रीज हैज अ कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ 3.5 बिलियन, रिप्रेजेंटिंग 45% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। एंड द समिट विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर लीडर्स टू डिस्कस ग्लोबल इशूज, एक्सेस प्रोग्रेस इन ब्रिक्स इनिशिएटिव्स एंड एक्सप्लोर फ्यूचर कोलेबोरेशन अपॉर्चुनिटीज। इसके साथ ही ब्रिक्स की बात करें तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनमें शामिल हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने इस ब्लॉक को ज्वाइन किया है 2009 में। देन ईरान, इजिप्ट, इथोपिया एंड यूएई ने ज्वाइन किया है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वॉज द इंडियन कोस्ट गार्ड्स कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज सागर कवच कंडक्टेड ऑन 16th एंड 17th ऑफ अक्टूबर 2024। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, 16 और 17 अक्टूबर 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का तटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम है सागर कवच, ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं केरला एंड लक्षद्वीप, गुजरात एंड दमन एंड दीव, महाराष्ट्र एंड गोवा, या फिर तमिलनाडु एंड पुदुचेरी। आपको बताना है इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा आयोजित जो एक्सरसाइज है सागर कवच, इसका आयोजन कहां पर किया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इसका आयोजन किया गया है गुजरात और दमन एंड दीव में। आप देख सकते हैं द इंडियन कोस्ट गार्ड सक्सेसफुली कंडक्टेड द सागर कवच कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज ऑन 16th एंड 17th ऑफ अक्टूबर अक्रॉस गुजरात एंड दमन एंड दीव, एंड इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई द कोस्ट गार्ड्स रीजनल हेडक्वार्टर्स इन गांधीनगर, बींग द सेकेंड एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज दिस ईयर। सो द एक्सरसाइज एम्ड टू इम्प्रूव कोस्टल सिक्योरिटी प्रिपेयरनेस एंड वैलिडेट एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड मल्टीपल एजेंसीज इंक्लूडिंग द इंडियन नेवी, स्टेट पुलिस, मरीन पुलिस, BSF, NSG, गुजरात मैरिटाइम बोर्ड, IB एंड पोर्ट अथॉरिटीज पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लैगशिप रिसर्च सेंटर शेड्यूल्ड टू लॉन्च इन अर्ली 2025।
यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा देश भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख अनुसंधान केंद्र की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जिसे 2025 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं लंदन, यूनाइटेड किंगडम, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स, दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये जो होस्ट कंट्री है वो होगा होगी यूएई। आप देख सकते हैं आईआईटी मद्रास विल एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर द आईआईटीएम ग्लोबल दुबई सेंटर इन दुबई। एंड द सेंटर इज सेट टू लॉन्च इन अर्ली 2025 एंड विल फोकस ऑन फील्ड्स लाइक एआई, डाटा साइंस, रोबोटिक्स एंड सस्टेनेबल एनर्जी। एंड इट एम्स टू स्ट्रेंथन कनेक्शंस बिटवीन दुबई एंड इंडियाज इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। सो एन एग्रीमेंट फॉर द सेंटर वॉज साइंड बिटवीन आईआईटी मद्रास एंड द दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म एट जीआईटीईएक्स ग्लोबल 2024। इसके साथ ही यूएई की बात करें तो ये वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित एक कंट्री है जो कि अपना बॉर्डर शेयर करती है। हम लैंड बॉर्डर की बात करें विद ओमान टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एंड विद सऊदी अरब टू द साउथ वेस्ट। इसके साथ ही मारीटाइम बॉर्डर जो शेयर करता है यूएई वो है पर्शियन गल्फ के साथ, कतर और ईरान के साथ, और इसकी कैपिटल है अबू धाबी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अभिधम्म इन बुद्धिज्म। यहाँ पर बौद्ध धर्म में जो अभिधम्म है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अभिधम्म इज अ कलेक्शन ऑफ सूत्रास रिप्रेजेंटिंग द अर्लीस्ट कंपाइलेशन डिटेलिंग बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। एंड सेकेंड इट फॉर्म्स द थर्ड पार्ट ऑफ द त्रिपिटक विच इज फंडामेंटल टू द थेरावेदा बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। और यहां पर आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है, आपको बताना है अभिधम्म से संबंधित यहां पर कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं द त्रिपिटक कंसिस्ट ऑफ थ्री सेक्शंस, विनय पिटक, सुत्त पिटक एंड अभिधम्म पिटक, हाईलाइटिंग द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। सो अभिधम्म प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द थेरावेदा ट्रेडिशन बाई ऑफरिंग इन डेप्थ एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल स्टेट्स, हेल्पिंग प्रैक्टिशनर्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द माइंड। इसके साथ ही ये अभी चर्चा में रहा क्योंकि हाल ही में नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस सेलिब्रेट किया गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एड्रेस किया है इस सेलिब्रेशन को। आप ध्यान रखेंगे हाल ही में पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेटास कोलैबोरेटिव कैंपेन टू कॉम्बैट रेजिंग ऑनलाइन स्कैम्स इन इंडिया। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में बढ़ते ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा के संयुक्त अभियान का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं स्टे सेफ ऑनलाइन, सुरक्षित डिजिटल इंडिया, सर्फ सेफ ऑनलाइन या फिर स्कैम से बचो। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये जो कैंपेन है इंडिया और मेटा का, इसका नाम है स्कैम से बचो। आप देख सकते हैं
इंडियाज गवर्नमेंट हैज कोलेबरेटेड विद मेटा टू लॉन्च द स्कैम से बचो कैंपेन टू टैकल ऑनलाइन स्कैम्स एंड साइबर फ्रॉड एंड द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली बाई द सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग श्री संजय जाजू. The campaign aims to combat rising cyber fraud and promote digital safety across India. And it reflects a collaborative effort involving the Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Home Affairs, and the Indian Cyber Crime Coordination Center. So the goal of the campaign is to foster a national culture of vigilance and empower citizens with the tools and knowledge to protect themselves online. आप ध्यान रखेंगे, मेटा के साथ जो भारत सरकार का कैंपेन है ऑनलाइन स्कैम को रोकने के लिए वो है स्कैम से बचो. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसे वित्तीय कार्यवाही कार्यबल कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है. आपके ऑप्शंस हैं नेगोशिएटिंग रैंसम्स ड्यूरिंग हॉस्टेज सिचुएशंस इन्वॉल्विंग टेररिस्ट ग्रुप्स, सेकेंड कमीशनिंग काउंटर टेररिज्म मिलिट्री ऑपरेशंस, थर्ड सेटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, एंड फोर्थ इम्पोजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस ऑन स्टेट्स स्पॉन्सरिंग टेररिज्म. आपको बताना है कि एफएटीएफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो इसका ऑब्जेक्टिव है सेटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग. आप देख सकते हैं एफएटीएफ हैज रिवाइज्ड इट्स ग्रे लिस्टिंग क्राइटेरिया टू फोकस ऑन कंट्रीज पोजिंग ग्रेटर रिस्क टू द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड ऑल्सो टू रिड्यूस प्रेशर ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. इसके साथ ही कुछ कंट्रीज जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे बुल्गारिया है, बुर्किनो फासे, कैमरून, क्रोशिया, कांगो, हैती, कीनिया, माली, मोनेको, मोजाम्बिक, नामीबिया, नाइजीरिया, फिलीपींस, सेनेगल, साउथ अफ्रीका भी है ग्रे लिस्ट में, देन साउथ सूडान, सीरिया, तंजानिया, वेनेजुएला, वियतनाम एंड यमन. इसके साथ ही एफएटीएफ की बात करें तो इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी दैट सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मेजर्स टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग एंड अदर थ्रेट्स टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम. और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1989 में. एंड इट इज द इनिशिएटिव ऑफ द G7 टू डेवलप पॉलिसीज एंड कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग. इसके साथ ही इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश एंड फ्रेंच. और वर्तमान में एफएटीएफ के प्रेसिडेंट हैं एलिसा डे एंडा. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.